डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैप रिड्यूस. मतलब मैप रिड्यूस का यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है. सो सबसे पहले अगर हम यूज़ की बात करते हैं, सो वी कैन से सोशल नेटवर्किंग. सोशल नेटवर्किंग में मैप रिड्यूस का हम यूज़ करते हैं. जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इन पर फ्रेंड्स कम्युनिटीज़ की जो सर्चेस करते हैं या कनेक्ट करते हैं, दिस इज़ यूज फॉर द मैप रिड्यूस फंक्शन. दूसरा इंटरटेनमेंट, हम मूवीज़ देखते हैं, वी आर वॉचिंग मूवीज़ और मूवीज़ को सर्च करना, मूवीज़ का देखना, उसका तो कितनी मूवीज़ किसनी देखी, उसका लॉक टाइम क्या है, क्लिक टाइम क्या है, मीन्स ये जो पूरा डेटा होता है, इसका जो एनालिसिस होता है, सच लाइक बेस्ट हम कह सकते हैं नेटफ्लिक्स, अगर अकाउंट वहाँ पे अकाउंट यूजर्स क्रिएट करते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, सो ये वर्क भी हम हडूप मैप रिड्यूस पे ही काम करते हैं. सो यूज हुआ इंटरटेनमेंट में. फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की फील्ड में. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब ई कॉमर्स का, जो ई कॉमर्स होती है हमारी, वो सच लाइक जैसे कि अमेजोन, वाईमार्ट या फिर वी मार्ट, ई बेज, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, वहाँ पर हम मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं. वहाँ यूजर्स का बिहेवियर कि उनकी फेवरेटीज क्या है, कौन से प्रोडक्ट पसंद है, यूज़र का इंटरेस्ट किस साइड ज़्यादा है, सो द एनालिसिस ऑफ दैट काइंड कि यूज़र की नीड क्या है, कैसा रहेगा, किस तरह से उसका बिहेवियर होगा, एंटायर ये जो ई कॉमर्स का होता है पूरा का पूरा एनालिसिस, दिस इज ऑल्सो बेस्ड फॉर आर मैप रिड्यूस. फिर फ्रॉड डिटेक्शन, हडूप मैप रिड्यूस का यूज करते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज में. जैसे फाइनेंस इंडस्ट्रीज यानी कंपनीज सच एज बैंक हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, पेमेंट लोकेशंस हो गए, इन सब में जो फ्रॉड डिटेक्ट होती हैं उनको कम करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं. सो वी कैन से आ ट्रांजेक्शन या उसके एनालिसिस को, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एनालिसिस में, कौन से फ्रॉड्स हो रहे हैं, वी आर यूजिंग फॉर दिस इन फ्रॉड डिटेक्शन टेक्निक. नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्च और एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म. जो हम सर्च करते हैं, सर्चिंग होती है हमारी कि एडवर्टाइज कौन सी ज़्यादा चल रही है इस टाइम पे. एनालिसिस बेसिकली किसका क्या रेट है, किसको ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, किस कहाँ यूजर ज़्यादा हैं, कहाँ पे कितना टास्क परफॉर्म किया जा रहा है, सच लाइक या जो सर्च इंजन हैं या हम कह सकते हैं गूगल या याहू पर जो कीवर्ड्स हम एंटर करते हैं या आप डालते हो, उनको ईजिली उन बिहेवियर के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना. तो उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना कि पॉपुलर सर्च क्या है, इस इवेंट को, इन सबको हम करते हैं अपने सर्च मैकेनिज्म में. सो ये है आपकी क्या एप्लीकेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं मैप रिड्यूस के एप्लीकेशन है, मैप रिड्यूस का यूज. सो हम आज की डेट में जो हमारी डेली यूजेस हैं वहां पर हम सबसे ज्यादा मैप रिड्यूस का यूज करते हैं. सो हमने पढ़ा अभी तक मैप रिड्यूस कहाँ कहाँ यूज करते हैं. सो क्या है आपका एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म में, फ्रॉड डिटेक्शन में, ई कॉमर्स में, एंटरटेनमेंट में और सोशल नेटवर्किंग में. सो ये थी हमारी एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशन किसकी, मैप रिड्यूस की. थैंक यू.